गुजरात के नवसारी में बारिश की कहर के बीच देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, सैलाब में फंसे 6 लोगों को कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गुजरात के नवसारी में कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बच्चे को एयरलिफ्ट करने का वीडियो सामने आया। कर्नाटक के पेड़ापल्ली में बाढ़ से बिगड़े हालात, सिर पर टोकरी में रखकर 1 महीने के बच्चे का रेस्क्यू किया गया। गुजरात के राजकोट में नाला पास करते वक्त पानी के तेज बहाव में बहा एक बाइक सवार, गांव वालों ने बचाई जान। गुजरात के कच्छ में उफनते नाले को पार करते वक्त पलटा ट्रैक्टर, दोनों लोगों को सुरक्षित बचाया गया। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में एक ट्रैक्टर सीधा गड्ढे में जा गिरा, हादसे में एक आदमी की हुई मौत। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान, रिहायशी इलाकों में अभी भी भरा है बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ से जनजीवन बेहाल, पानी की वजह से कोंटा इलाका टापू में तब्दील हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, एहतियातन जिला प्रशासन ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें बनी दरिया, बाजार और घरों में भी भरा पानी। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश की वजह से नदी में आई उफान, नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों में भरा पानी। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पानी का तेज बहाव, हाईवे पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही, मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी की गई रद्द, ठाणे पुणे और पालघर समेत कई जिलों में स्कूलों को किया गया बंद। महाराष्ट्र के नासिक में भी भारी बारिश से तबाही देखने को मिली, दरिया में तब्दील हुई सड़कें, तेज बहाव में जान जोखिम में सड़क पार कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तेज बहाव की वजह से गंगोत्री धाम की दीवार के लिए बढ़ा खतरा। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट गई, सामान ले जा रहे ट्रकों को बीच रास्ते में रोका गया। ओडिशा में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ दरकने का खौफनाक वीडियो सामने आया, पहाड़ से गिरे मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची महिला की जान। पटना में तेज आंधी और बारिश में एक पेड़ टूटकर ऑटो रिक्शा पर गिरा, हादसे में 2 लोग घायल, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, आसमान में बवंडर दिखाई दिया, बवंडर की चपेट में आए पेड़ पौधे। यूपी के मऊ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, हादसे में 1 महिला गंभीर रूप से घायल हुई। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के वाराणसी में आग लगने से हड़कंप मच गया, मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए रखी लकड़ियों में आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। यूपी के औरैया में आग लगने से हड़कंप मच गया, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के आलमबाग से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, एक आदमी ने बीच सड़क पर अचानक कार का दरवाजा खोला, कार के दरवाजे से टकराकर स्कूटर सवार की हुई मौत। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में एक आश्रम में पंडाल गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, हादसे में करीब 11 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के नारनौल में बड़ा हादसा, सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार, हादसे में सीआरपीएफ के 5 जवानों की जान चली गई। बिहार के भागलपुर में गाड़ी से टक्कर के बाद 2 गुटों में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता पर हमले का वीडियो सामने आया, वीडियो में एक साथ कई लोगों ने बीजेपी नेता पर तलवार से हमला करते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में छेड़खानी का विरोध करने पर मनचले ने लड़के को पीटा, घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी की भी जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के रायसेन से आई शर्मनाक तस्वीर, एक आदमी ने महिला के साथ की मारपीट, नौकरी दिलाने के नाम पर शोषण का भी आरोप लगा। बिहार के मोतिहारी में जमीन विवाद में बेटे ने चाचा के साथ मिलकर पिता की हत्या की कोशिश की, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के सोनभद्र में 2 पत्रकारों पर की गई फायरिंग, घायल पत्रकारों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, अफगानिस्तान के रहने वाले थे मुस्लिम धर्मगुरु। दिल्ली के नरेला में 2 हमलावरों ने एक लड़के पर चाकू से किया वार, अस्पताल में इलाज के समय पीड़ित की मौत।
जम्मू कश्मीर के डोडा में मंदिर में तोड़फोड़, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। यूपी के हमीरपुर में चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में ट्रैक्टरों की बैटरी चुराकर लेते दिखे बाइक सवार चोर। लखनऊ में अपनी बालकिन को नोच कर मारने वाले पिटबुल कुत्ते को नगर निगम ने कब्जे में लिया। कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल रूम में रखा गया। कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से आरएसएस की तुलना करने वाले पटना के एसएसपी से जवाब तलब। आरएसएस की शाखाओं की कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से की थी तुलना। अजमेर दरगाह की खादिम गौहर चिश्ती की आज पेशी होगी। रात 2 बजे गौहर को अजमेर लेकर पहुंची पुलिस। हैदराबाद से कल हुई थी गिरफ्तारी। पुलिस ने हैदराबाद से गौहर चिश्ती के सहयोगी मुनव्वर को भी गिरफ्तार किया। मुनव्वर ने गौहर चिश्ती को अपने घर में छिपा कर रखा हुआ था। मूसेवाला मर्डर केस के मेन शूटर अंकित सिरसा और सचिन भिवानी की मानसा कोर्ट में पेशी। पुलिस मांग सकती है 10 दिन की रिमांड। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में FIR दर्ज। मॉल मैनेजमेंट ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के आरोपियों को पर दर्ज करवाया केस। तेलंगाना में एक रेस्टोरेंट ने रखा गया अनोखा चैलेंज। बाहुबली थाली खाने पर 1 लाख रुपए का मिलेगा इनाम। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज जम्मू से लद्दाख जाएंगे। चीन के विरोध करने पर कहा अब ज्यादातर चीनी और तिब्बती लोग बौद्ध धर्म पर भरोसा करने लगे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा मंजूर। स्पीकर ने किया औपचारिक ऐलान। सिंगापुर पहुंचे गोटाबाया एयरपोर्ट की एक दुकान पर खरीदारी करते दिखाई दिए राष्ट्रपति गोटाबाया। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में जश्न का माहौल। कैरिबियाई देश हैती में बढ़ती महंगाई की वजह से पिछले 1 हफ्ते में प्रदर्शन जारी है। राजधानी पोर्टो प्रिंस में महंगाई का पोस्टर लेकर लोगों ने विरोध जताया। अमेरिका की कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग बढ़ती जा रही है। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है। फ्रांस की लेंडिरास के जंगलों में भीषण आग लगने से कोहराम मच गया है। आग में हजारों एकड़ एरिया जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखाई दिए 1000 से ज्यादा दमकलकर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को आज 47वां दिन है और ऐसे में लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की ओर से जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं लोधी रोड स्थित दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाहर, जहां से लगातार आपको बैक टू बैक अपडेट्स देते रहेंगे। इसी स्पेशल सेल में सिद्धू मूसेवाला केस के तमाम आरोपियों से पूछताछ की जाती रही है, चाहे वो अंकित सिरसा हो या सचिन चौधरी भिवानी हो। लेकिन इस केस का मास्टरमाइंड यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड अब भी अंडरग्राउंड है। गोल्डी बराड की खास बात की जाए, लगातार पुलिस हाथ पैर मार रही है, छापेमारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक चौंकाने वाला वीडियो लगा है। ये वीडियो एक नकाबपोश शख्स का है जो कि खुद को गोल्डी बराड कहता है और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की बात भी कबूल रहा है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया को ये वीडियो हाथ लगा है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि नकाबपोश ये आदमी खुद को गोल्डी बराड होने का दावा करता है, साथ साथ विक्की मिद्दू खेड़ा के हत्या के बदले की बात भी कबूलता है सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करके। आप भी देखिए।